हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम सभी क्लास 12th की केमिस्ट्री और चैप्टर देखेंगे उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक हम लोग देख रहे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिकों में समयता। तो इससे पहले वीडियो लिंक में हम लोग रचनात्मक समायोजता वगैरह के बारे में देख रहे थे। आज के वीडियो लिंक में हम लोग देखेंगे त्रिविम समायोजता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समायोजता या स्टीरियो आइसो मैरिज क्या होती है? त्रिविम समायोजता जब दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनके एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या हो, सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनके अरेंजमेंट पैटर्न में क्या होता है, डिफरेंस आता है, अंतर आता है। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनके जुड़ने की व्यवस्था, ठीक है, में अंतर आता है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स और सोच स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इस तरह के यौगिक क्या करते हैं, त्रिविम समायोजता दिखाते हैं। तो क्या कहा, जब दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला और संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उपसह संयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की व्यवस्था में क्या होता है, अंतर होता है। तो इस प्रकार के यौगिक आपके त्रिविम समावयवी कहे जाते हैं, त्रिविम समावयवी कहे जाते हैं। और यौगिकों की यह समानता त्रिविम समायोजता दिखाती है। त्रिविम समायोजता स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसो मेरिज्म का गुण क्या करती है, दिखाती है।
प्रेम समझौता दो प्रकार की होती है, नंबर एक जमती समझौता, प्रेम समझौता दो प्रकार की होती है। नंबर एक ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप देखेंगे कि ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसो टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या कहा, ऐसी समावयवी यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की स्थितियां क्या होती हैं, डिफर होती हैं, डिफर मतलब डिफरेंट अलग अलग। ऐसे समावयवी यौगिक जिनके अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसह संयोजक परिसर में केंद्र धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था में स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या होता है, अंतर होता है। ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहे जाते हैं, ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहे जाते हैं, और यौगिकों का यह गुण ज्यामितीय समावयवता दिखाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी क्या करता है, करता है। तो कहें कि ज्यामितीय समावयवता उन यौगिकों में देखने को मिलती है जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केंद्रीय धातु परमाणु की जो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या जो होती है 4 या 6 होती है। तो नोट पॉइंट आपका आ जाएगा, ज्यामितीय समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है ज्यामितीय समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनके
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर चार या क्या होती है, छह होती है। आप ये जानते हो कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए यदि फोर लिगेंड्स हैं तो या तो चतुष्फलकी व्यवस्था बनाते हैं या तो वर्गाकार समतली व्यवस्था बनाते हैं। अगर जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी छह होती है तो क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्फीयर बनाते हैं, अष्टफलकी व्यवस्था बनाते हैं। तो यहाँ पे चतुष्फलकी और कोप्लैनर स्क्वायर के अरेंजमेंट पैटर्न में क्या मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। और अष्टफलकी में क्या होता है, उसमें भी अरेंजमेंट पैटर्न में अंतर मिलेगा। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और कोऑर्डिनेशन नंबर छः से बनने वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर की स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स।